इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में 300 छात्र संगठन ने सीटें घटाने के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के साथ 300 पदाधिकारियों की धक्का मुक्की भी हो गई। विश्वविद्यालय अध्यक्ष रवि मसीत ने बताया कि 2 साल पहले विश्वविद्यालय में लैब और अध्यापकों की कमी के कारण सीटें घटाने का फैसला लिया गया था, लेकिन अभी तक दोबारा सीटें नहीं बढ़ाई गई है, जिसके लिए इंसो ने कई बार ज्ञापन सौंपने का काम किया। साथ ही प्रशासन को चेतावनी भी दी थी कि अगर वो सीटें नहीं बढ़ाते हैं तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे, और उसी के चलते आज फिर इंसो पदाधिकारियों ने आईजीयू में विरोध प्रदर्शन किया और मांग की गई कि दोबारा सीटें बढ़ाई जाए, साथ ही विश्वविद्यालय में डेवलपमेंट का काम किया जाए। जहां आईजीयू प्रशासन की तरफ से इंसो पदाधिकारियों के साथ बातचीत की गई और ये कहा गया कि उन्हें 1 सप्ताह का समय दे दोबारा सीटें बढ़ाने को लेकर और यूनिवर्सिटी में विकास कार्य कराने को लेकर काम किया जाएगा। आज इंसो ने जो यूनिवर्सिटी के अंदर सीटें घटाई थी, आज उनके विरोध में इंसो ने प्रदर्शन किया। मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर 2 साल पहले वाइस चांसलर ने अपने तुगलकी फरमान के जरिए यूनिवर्सिटी के अंदर सीटें घटाने का काम किया था। उस समय वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बोला था कि लैब और अध्यापकों की कमी के कारण हम ये फैसला ले रहे हैं, लेकिन 2 साल होने के बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन सीटों को बढ़ाने का काम नहीं किया। हमने इससे पहले भी यूनिवर्सिटी प्रशासन को बहुत सारे ज्ञापन देने का काम किया, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आज जब सर से ऊपर पानी जा चुका तो इनसो ने आंदोलन को सही समझा और इनसो ने आंदोलन करा। आज इनसो ने यूनिवर्सिटी गेट पर और वाइस चांसलर ऑफिस को ताले लगाने का काम करा। यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ आज हमारी बातचीत हुई, वाइस चांसलर ने और रजिस्ट्रार ने दोनों ने बैठकर उनसे बात करने का काम किया और यूनिवर्सिटी के अंदर डेवलपमेंट को लेकर और सीटें बढ़ाने को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन से आश्वासन मिला है कि हम 1 सप्ताह के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर सीटें बढ़ाने का काम करेंगे, 1 सप्ताह के अंदर हम आपके हित में फैसला लेने का काम करेंगे।